चैती छठ पूजा। छठ का पर्व साल में दो बार मनाया जाता है, पहला चैत्र और दूसरा कार्तिक माह में। सूर्य देव को समर्पित छठ पूजा मुख्य तौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल के कुछ भाग और बिहार में धूमधाम से मनाया जाता है। चैती छठ चार दिन तक चलने वाला त्योहार है। चैती छठ में सूर्य की उपासना की जाती है और ये पर्व चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि से शुरू होता है और सप्तमी को उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद समाप्त होता है। संतान के स्वास्थ्य, अच्छे भविष्य और उसके रक्षा के लिए महिलाएं चैती छठ का व्रत रखती हैं। नहाए खाए चतुर्थी तिथि से नहाए खाए परंपरा से चैती छठ पूजा शुरू होती है। इसमें घर की साफ सफाई करके शुद्ध शाकाहारी भोजन बनाया जाता है। महिलाएं इस दिन व्रत का संकल्प भी लेती हैं और सेंधा नमक युक्त भोजन जैसे कि चने की दाल, लौकी की सब्जी और चावल खाती हैं। खरना चैती छठ पूजा का दूसरा दिन यानी पंचमी का दिन खरना कहलाता है। खरना के दिन शाम को गाय के उपले या आम की लकड़ी पर गुड़ के खीर का प्रसाद बनाया जाता है और फिर व्रती और सभी घर वाले इसे ग्रहण करते हैं। इस दिन नमक का भोजन नहीं करते। इसके बाद से व्रती का 36 घंटे का व्रत शुरू हो जाता है। संध्या अर्घ चैत्र शुक्ल षष्ठी तिथि पर यानी डूबते सूर्य को अर्घ देने की परंपरा है। व्रती नदी या तालाब में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देते हैं। इसमें छठी मैया और सूर्य की विधिवत पूजा की जाती है। उष्मा अर्घ छठ पूजा के समापन के दिन यानी सप्तमी के दिन उष्मा अर्घ यानी उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। सूर्य अर्घ के लिए बांस की टोकरी में ठेकुआ और फलों को रखा जाता है। सूर्य पूजा के लिए सूप को भी तैयार किया जाता है। सूर्य देव को दूध और जल का अर्घ देकर छठी मैया को प्रसाद चढ़ाया जाता है। इसके बाद ही व्रती व्रत का पारण करते हैं। तो ये थी चैती छठ पूजा की सारी जानकारियाँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें।